कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले हमारे पास है Na2O, फर्स्ट क्या नाम है इसका? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। इसको कैसे बनाएंगे सोडियम ऑक्साइड को? अगर सोडियम को पानी एयर में डायरेक्ट जलाएंगे, कंप्यूज करेंगे, तो सोडियम पर ऑक्साइड बनेगा Na2O2, और हमें क्या बनाना है Na2O, तो मत जलाओ आप, ऑक्सीजन जला के तो मत बनाओ। तो आप सोडियम ऑक्साइड को बनाओगे कैसे? NaNO3 प्लस 10 Na, सोडियम ले लो, या सोडियम नाइट, ये तो है सोडियम नाइट्रेट, या सोडियम नाइट्राइड को सोडियम के साथ रिएक्शन कर लो। अब आपको 6 सोडियम ही चाहिए, इस तरह से आप लोगे तो 6 Na2O3 बन जाएगा प्लस N2, और यहाँ पर आपके पास 6 और एक 7, यानी कि 8 हमारे पास हो जाएगा। इसको 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना हुआ 4 Na2O बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा N2 गैस। ये हमारे पास प्रिपरेशन है। लेकिन इन दोनों से भी कुछ ना कुछ आपके पास और गैसेस बनेगी, तो प्योर सोडियम ऑक्साइड कैसे बनेगा? सेकंड, प्योर सोडियम ऑक्साइड यानी आपको Na2O बनाना है प्योर। जब Na2 प्योर बनाना है तो इसके अंदर सोडियम एजाइड की रिएक्शन कराएंगे NaNO2 के साथ, तो ट्वाइस Na2O प्लस 5N2 बनेगा। ये गैस है, उड़ जाएगी, ये सॉलिड है, नीचे बन जाएगा, तो ये भी प्योर N2 बनेगी। प्योर N2 बनाने में भी यूज कर सकते हैं एजाइड को, और प्योर Na2O बनाने में भी यूज कर सकते हैं इसको। तो सोडियम एजाइड की अगर सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराई तो आपको प्योर Na2O भी मिलेगा और प्योर N2 भी मिलेगी। ये गैस है, ऊपर मिलेगी, ये सॉलिड है, नीचे मिलेगा कंटेनर में, दोनों अपने आप में प्योर है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा आपको। बेटा इसमें साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे आपके पास, कुछ हद तक ये भी रह जाएगा आपके पास, ये 100% रिएक्शन हो जाएगी, समझ में आ रहा है? तो प्योर मिल जाएगा आपको। थर्ड, सोडियम नाइट्राइड भी रह जाएगा कुछ, तो मिक्सचर बनेगा थोड़ा, मेजर प्रोडक्ट ये जरूर रहेंगे। नेक्स्ट, अगर आप ठीक है, सोडामाइट नाम तो सुना होगा, क्या होता है सोडामाइट? देखो ये बात ध्यान रखना, सोडामाइट MID, ये होता है NaNH2, NaNH2। एक होता है सोडा लाइम, अंतर है दोनों में, ये होता है NaOH प्लस CaO का मिक्सचर। सोडामाइड और सोडा लाइम अलग अलग है। सोडामाइड क्या होता है NaNH2, और सोडा लाइम क्या है NaOH प्लस CaO, ये हमारे पास है। हम सोडामाइड को पढ़ने जा रहे हैं, सोडामाइड कैसे बनाया जा सकता है, तो Na, प्रिपरेशन ऑफ सोडामाइड, प्रिपरेशन ऑफ सोडामाइड, तो हमें करना क्या है Na2O की अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो, लिक्विड अमोनिया, तो आपको NaNH2 प्लस NaOH मिलेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा और सोडा माइट भी मिलेगा। एप्लीकेशंस यानी यूज, हमने Na2O को बनाया, उसको बिगाड़ा, दोनों चीज कर ली हमने, लेकिन इसका काम क्या है? Na2O इज यूज डिहाइड्रेटिंग एंड पॉलीमराइजिंग एजेंट, Na2O इज डिहाइड्रेटिंग, डिहाइड्रेटिंग का मतलब समझ गए, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाला, यानी डेलिक्यूशेंट,
डिहाइड्रेटिंग एंड पॉलीमराइजिंग एजेंट, एजेंट यानी पॉलीमर बनाने में काम आने वाला एजेंट, पॉलीमराइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप सोडियम ऑक्साइड को डिहाइड्रेटिंग यानी H2 एब्जॉर्ब करने वाला ले लेंगे, तो कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन में जहां H2O निकल रहा होगा एज ए प्रोडक्ट होगा, उसमें Na2O रखना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। ये काम Al2O3 भी करता है डिहाइड्रेटिंग, यानी अगर डिहाइड्रेशन रिएक्शन है कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट रखना पड़ेगा। डिहाइड्रेटिंग का मतलब H2O निकलना, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट निकलने वाले H2O को एब्जॉर्ब करना कर लेता है, यानी सामने वाले के अंदर से निकालने में मदद करता है। वो तो निकालना चाहता है, लेकिन अगर कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो निकली हुई H2O को वापस वो क्या कर लेगा, वापस ले लेगा। वो रिलीज तो करता है H2O, डिहाइड्रेटिंग का मतलब H2O रिलीज, लेकिन अगर कोई उसको नहीं लेगा तो वापस एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। तो ये आपके पास हो गया सोडियम ऑक्साइड, क्लियर है। अब आता है सोडियम परऑक्साइड, लिखते जाए नेक्स्ट। सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Na2O2। कैसे बनेगा Na2O2, सिर्फ सोडियम को एयर में एक्सेस ऑफ O2 में गर्म करो, तो ये हो गया सोडियम परऑक्साइड। सोडियम को क्या करना है आपको, O2 के साथ एक्सेस में, एक्सेस में आपको क्या करना है, गर्म करना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, Na2O2 बन जाएगा। बाकी आपके पास इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। Na2O2 अपने आप में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रखता है, ये सभी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। Na2O2 यानी वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, CO2 के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, H2O के साथ भी, H2SO4 के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, CO के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaOH। CO2 के साथ के क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस O2, और CO के साथ करके क्या बनाएगा, Na2CO3, O2 नहीं बनेगी, और H2SO4 के साथ क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O2, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा इसके साथ, H2SO4 के साथ। इसके अलावा सॉल्ट्स बहुत सारे बनाता ही है, ये हमारे पास कुछ मेन रिएक्शन है जो आपको पढ़नी थी। हेडिंग डाल लीजिए कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ कंपाउंड्स में। चलिए हेडिंग डाल लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मैटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मैटर। ये हमारा मेन टॉपिक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमने पहले फिजिकल पढ़ चुके हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे डेंसिटी बढ़ती है जनरली, लेकिन ऐसा इसमें हर जगह नहीं लगता, एक्सेप्शंस आते हैं। दूसरा क्या पॉइंट पढ़ चुके हो आप, डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। सबसे हार्ड कौन है इस पूरे ग्रुप में, बेरिलियम। ये ग्रुप कौन से एलिमेंट है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, NS2, ठीक है। कितने मेटल आते हैं इसके अंदर, 6। कौन रेडियो एक्टिव है, रेडियम, ठीक है। तो नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, सही है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होता है,
तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे चलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए आप मेरे को जो आप पढ़ चुके हो फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड ग्रुप में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? हाईएस्ट बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी में, हाईएस्ट होगी बेरिलियम की। लोवेस्ट नीचे जाने पे क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो आंसर होगा बेरिलियम हाईएस्ट। नेक्स्ट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? अगेन आंसर गोज टू बेरिलियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, या एम्फोटेरिक होते हैं, या एसिडिक होते हैं। अर्थ मेटल मेटल क्या होते हैं ये? इसका आंसर होगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से देखे और ये क्या करते हैं, इनर्ट गैस बना लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकाल के इनर्ट गैस बना लेते हैं। पक्का? और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा इसमें? बेरिलियम, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और है, कौन सा रेड कलर फ्लेम टेस्ट देता है? ठीक है, कौन सा रेड कलर फ्लेम टेस्ट देता है? लिथियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। लिथियम, कैल्शियम भी देता है, स्ट्रॉन्शियम भी देता है, कोई क्रिम्सन देता है, कोई ब्रिक देता है, वो अलग बात है, लेकिन रेड कलर सब देते हैं। सिर्फ कौन नहीं देता, अगर ये पूछा जाता तो आंसर क्या होता? बेरियम। बेरियम कौन सा कलर देता है फ्लेम? एप्पल ग्रीन। और बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देते फ्लैम टेस्ट में। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद करनी पड़ेगी। नीचे जाने पर आपका कलर किस तरफ जाता है वैसे? ब्लू की तरफ। किस तरफ जाता है? ब्लू की तरफ, ठीक है। और ऊपर क्या रहता है आपका? रेड की तरफ। तो शुरुआत में तो इतना ज्यादा एनर्जी ले लेते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं कि बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से कोई कलर नहीं दे पाते, ये एब्जॉर्ब करते हैं ना, हाई अल्ट्रावायलेट में जाते हैं तो कोई कलर जनरेट नहीं होता। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब बात आती है केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल हमारा हो चुका था लास्ट लेक्चर में और हमने कुछ एग्जांपल भी कर लिए, तो शुरू करें। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले टूवर्ड्स एयर एंड वाटर H2। पहले तो ये बताइए इनकी रिएक्टिविटी एल्कली मेटल के कंपेयर में ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, क्योंकि वो तो फटाफट इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देते ही इनर्ट गैस बन जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन देंगे इनर्ट गैस नहीं बनता, ठीक है। तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? एल्कली मेटल की। तो यहां हमारे पास आएगा फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर ए पॉइंट, दीज मेटल आर लेस रिएक्टिव देन वॉट एल्कली मेटल। क्लियर है? लेस रिएक्टिव देन एल्कली मेटल, ये आपका पहला पॉइंट हुआ। आगे नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। मूविंग डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस इंक्रीजेस। सी अगर सी पॉइंट मतलब मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, या ये कहा जाए बेरिलियम मैग्नीशियम, ये डायरेक्ट एयर के साथ रिएक्शन नहीं करते जैसे सोडियम करता है। सोडियम को तो एयर में जैसे ही खुला छोड़ोगे फटाफट रिएक्ट कर जाएगा, पानी में डालने पे भी रिएक्ट हो जाएगा, खुला रखने पे भी हो जाएगा। तो उसे बचाना है तो कहाँ रखोगे आप? ऑयल के अंदर। सोडियम को ऑयल के अंदर रखा जाएगा, ठीक है, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम को आप हवा में रख सकते हो, ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते। तो क्या लिखोगे? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर इनर्ट टू
ऑक्सीजन एंड वाटर, तो रूम टेम्परेचर पे ये क्या है, स्टेबल है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट डी। हाँ लेकिन अगर आप जलाओगे पाउडर बना के गरम करोगे तो फिर तो होगा ही, बेरिलियम पाउडर बर्न्स ब्रिलियंटली ऑन इग्निशन टू गिव्स बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम नाइट्राइड, देता है। नेक्स्ट डी, ई पॉइंट, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड, एंड नाइट्राइड यानी कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम को तो आपको गर्म करने के की भी जरूरत नहीं, ये थोड़ी रिएक्टिविटी ज्यादा रखते हैं, अपने आप धीरे धीरे रिएक्ट करते चले जाएंगे। लेकिन बेरिलियम पाउडर को तो आपको जलाना पड़ेगा, कंब्यूज करना पड़ेगा, फिर जाके बेरिलियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो ये तो आपके पास रहे कुछ पॉइंट्स। अमोनिया सेकेंड पॉइंट लिख लेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया सेकेंड पॉइंट। आपको मालूम है एल्कली सॉल्यूशंस को, एल्कली को अमोनिया में डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डिजोल्व होते हैं या नहीं होते, होते हैं। और किस तरह का कलर बनाते हैं, ब्लू कलर, बोलो यस और नो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो जैसे वो ब्लू कलर दे रहा है, ये कौन सा कलर देगा, डीप ब्लू, ठीक है। तो लिख लीजिए इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स आर डिजोल्व एंड गिव्स डीप ब्लू कलर ड्यू टू अमोनिकल इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अमोनिकल इलेक्ट्रॉन्स। लिखिए इसको, या अमोनिकेटेड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट रिडक्शन पावर, देखो रिडक्शन पावर की अगर हम बात करें तो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बट लेस रिड्यूसिंग एजेंट देन एल्कली। तो नेक्स्ट पॉइंट टीएचई, दे आर रिडक्शन पावर इज हाई बट लेस देन एल्कली मैटर। रिडक्शन पावर जो होती है हमारे पास बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, रिडक्शन पावर प्रोपोर्शनल आपके लिए क्या रहती है, वन अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी, जितनी कम हो उतनी अच्छा है। सेकंड हम बात करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और एक और है हमारे पास सब्लिमेशन एनर्जी। कौन डोमिनेट करेगा ये हमें देखने वाली बात आ रही है। देखिए लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एल्कली मेटल में, क्यों, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उम्मीद से ज्यादा है। लेकिन हर जगह ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पावर अगर हम बात करें तो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग हमारे पास होगा, और वही हम बात कर रहे हैं रिडक्शन पावर हमारे पास किसकी सबसे ज्यादा होगी, जो डाटा आ रहे हैं वो बेरिलियम, इसकी सब्लिमेशन एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है बेरिलियम की, जिस कारण इसकी रिडक्शन पावर उतनी नहीं है जितनी हमने सोचा है। और रिडक्शन
बस ये ऑर्डर है, रिडक्शन पावर ऑर्डर, मूविंग डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। रिएक्शन विद हेलोजन, रिएक्शन विद हेलोजन, ये सभी कौन से नंबर की पॉइंट हो गया, फोर्थ, ये सभी मेटल हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और यहां एक्स का मतलब हेलोजन है, और क्या बनाएंगे, MX2, MX2, यानी जैसे BeCl2, BeF2, BeI2, इस तरह से CaCl2, CaBr2, CaI2, इस तरह से हमारे पास देखने को मिलेगा। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रो एसिड्स या ऑक्सी एसिड या एसिड्स भी बोल सकते हो। तो हम अगर इन मेटल्स की एक्शन विद एसिड, एक्शन विद एसिड की अगर हम बात करें, करें शुरू एक्शन विद एसिड्स, तो हमारे पास एक ऑप्शन बन जाएगा। मैं क्या लिखा रहा हूं, एक्शन विद एसिड्स, यहां हमारे पास पॉइंट बनेगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कोई भी मेटल है प्लस एसिड ले लेंगे, तो यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अगर एसिड हेलो एसिड है तो मेटल हैलाइड बनेगा, अगर एसिड सल्फेट है तो मेटल सल्फेट बन जाएगा, डिपेंड ऑन कौन सा एसिड है, लेकिन प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, H2। हमेशा की तरह कुछ अजीब सा होता है, बेरिलियम अपने ग्रुप में तो रखता ही है रिलेशन, लेकिन अपने पड़ोसी के साथ भी अच्छे रिलेशन लगता है, पड़ोसी पड़ोसन मतलब रखता है अच्छा रिलेशंस, और उसमें कौन है हमारे पास, एल्यूमिनियम, यानी कौन सा रिलेशन रखेगा, डायगोनल, ठीक है, तो ये हमारे पास डायगोनल रिलेशन रखता है, तो हेडिंग क्या रहेगी, डायगोनल, डायगोनल रिलेशंस बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है, ये है रीजन, क्या है, ड्यू टू सेम वैल्यू ऑफ चार्ज एंड रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो, इसको हम बोल सकते हैं चार्ज डेंसिटी। अब रखता है तो कुछ प्रॉपर्टी तो सेम होनी चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए जो दूसरे एलिमेंट नहीं करते हो और ये आपस में एक दूसरे के साथ रखते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट दे हैव सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम शॉर्ट फॉर्म में EN लिख देते हैं, चार्ज रेडियस रेशियो, वो तो मैं बोल ही रहा हूं, चार्ज रेडियस रेशियो तो रहेगा, रहे क्या, चार्ज रेडियस रेशियो, और हम कहां रख सकते हैं यहां पर, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी बात करते हैं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये दोनों ही एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन तो करते हैं, लेकिन एसिड के साथ रेसिस्ट करते हैं, रेसिस्ट का मतलब उतनी अच्छी इच्छा के साथ नहीं करते जितनी इच्छा के साथ अदर मेटल्स करते हैं, और बेस के साथ और दूसरे नहीं करते थे लेकिन ये उनके साथ भी करते हैं, यानी कुल मिला के ये एक तरह से क्या है, देखा जाए तो मेरे लिए बेरिलियम और ऑक्साइड, बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही कहीं ना कहीं क्या है, एम्फोटेरिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा ये पॉइंट इस तरह से, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम बोथ आर रेसिस्ट
टू द एक्शन ऑफ एसिड्स, एसिड्स के साथ नहीं तो कोई भी मेटल एसिड को देखते ही भभक के हाइड्रोजन निकालना कोशिश करता है, भभक का मतलब बहुत तेजी के साथ निकालने कोशिश करता है, रिडली रिएक्टिव विद एसिड्स, लेकिन ये थोड़ा रसिस्ट करते हैं, ये नहीं कह रहा कि नहीं करते, रसिस्ट करते यानी कि स्लो रिएक्शन होती है एसिड, ठीक है। ये तो हो ही गया, रिएक्ट रिएक्ट करते हैं विद स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं, ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ओ एच फोर टू माइनस, और एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, ए एल ओ एच फोर माइनस वन, क्योंकि बेरिलियम पे प्लस टू है तो नेट माइनस टू आएगा, एल्यूमिनियम पे प्लस थ्री है तो माइनस क्या बचेगा, वन, प्लस थ्री माइनस फोर माइनस वन, प्लस टू माइनस फोर माइनस टू, आ रही है बात समझ में। तो ये आपके पास हो गया है दोनों ही के अंदर कुछ सिमिलरिटी। नेक्स्ट, दोनों ही कंपाउंड स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने की, पहली बात आप देख लो, इसके अलावा बेरिलियम ग्रुप के अंदर बेरिलियम के अलावा कोई कॉम्प्लेक्स बनाता नहीं है, कुछ हद तक मैग्नीशियम बनाता है, ठीक है ना, तो केवल बेरिलियम मैग्नीशियम ही बनाते हैं, जबकि लिथियम वाले ग्रुप में सिर्फ लिथियम ही ऐसा मेटल है जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, एल्यूमिनियम वाले में एल्यूमिनियम बनाता है। तो यहां हमारे पास आता है कि क्या ये एल्यूमिनियम की तरह कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाँ, और किसके साथ, ऑक्सीलेट के साथ, आयन के साथ, तो दोनों ही अपना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैं आपके साथ एक और पॉइंट शेयर कर रहा हूं, थर्ड नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बोथ फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि कोई भी एक जिसके पास लोन पेयर है वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। इससे पहले आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हुए देखा है, लेकिन किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल वर्सेस नॉन मेटल जनरली। अब आप किस में देख रहे हैं, मेटल वर्सेस नॉन मेटल, तो ये हमारे पास जब मेटल वर्सेस नॉन मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हो आप, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, या फिर क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप छोटे बच्चे हैं, आपको एक डेफिनेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा हो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में पढ़ते हैं बस, ठीक है। तो बताइए, बेरिलियम भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, हाँ, और एल्यूमिनियम भी बनाता है। बेरिलियम पता है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, एग्जांपल शो फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि यहां पर जब इसका देखा जाए तो किसकी बात करें, हम बेरिलियम की, बोरोन की नहीं, बेरिलियम की, तो चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब क्या है, इसका, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना है इसका, फोर, या फिर इसको बोलते हैं कोवलेंसी भी बोलते हैं। तो इस बताइए बेरिलियम की कोवलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम फोर, बच्चा क्या लिखेगा, दो, टू लिखेगा, क्यों, क्योंकि उसको आदत है इलेक्ट्रोवैलेंसी लिखने की, बेरिलियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी प्लस टू है, जबकि कोवलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, फोर। अब बात आती है कि फोर है तो ये कैसे बनाएगा फोर, देखिए ध्यान से, ये बेरिलियम है, यस और नो, ये इस तरह से बना रहा है, पक्का, इस आयन को क्या बोलते हो आप, जल्दी से बोलो, इस आयन को क्या बोलते हो आप, ऑक्सिलेट आयन, आपको याद है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2C2O4, H2C2O4 को ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं, तो हाइड्रोजन निकलने के बाद जो आयन बनेगा उसको क्या बोलोगे आप, ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट आयन है। क्या ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाँ, O- के पास, क्या इसके पास है, हाँ, बोलो यस और नो,
तो ये एक ऑक्सीलेट आयन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? दो। तो बताइए इसकी कोवलेंसी कितनी है? दो। इसकी कितनी है? चार। तो इसकी चार है, इसकी दो है, तो फिर क्या करेगा ये? एक और ऑक्सीलेट के साथ जुड़ जाएगा। पक्का? अब इतना बड़ा कंपाउंड लिखने से अच्छा है, पता है हम कैसे लिखते हैं इसको? बीई सी टू ओ फोर। कितने सी टू ओ फोर आ रहे हैं? दो। इसके ऊपर कितना चार्जेस है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, माइनस टू। इसके ऊपर कितना चार्ज है? माइनस टू। तो दो पे मिलके कितना हुआ? माइनस फोर। एक के ऊपर माइनस टू है, देखो ध्यान से, यहां पर माइनस, तो नेट कितना हुआ? माइनस फोर। इसके ऊपर कितना है? प्लस टू। तो प्लस टू माइनस फोर मिलके क्या बनेगा? माइनस टू। आ रही है बात समझ में? तो बताइए क्या सही है? एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हमारा बड़ा भाई है इसका। एल्यूमिनियम पता है क्या करेगा? बड़ा भाई है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, हाँ बनाएगा, ज्यादा बनाएगा, ज्यादा बनाएगा, तो कितने बना सकता है वो? छः। तो बताइए एल्यूमिनियम की कोवलेंसी कितनी जा सकती है? सिक्स। तो आप बिल्कुल एज इट इज लिख लीजिए, एल्यूमिनियम शो सिक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? सिक्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तब आप मेरे को बताइए कि बेरिलियम के साथ कितने ऑक्सीलेट जुड़े थे? दो। बेरिलियम तो एल्यूमिनियम के साथ कितने जुड़ेंगे? तीन। तो एल्यूमिनियम के साथ तीन जुड़ेंगे, तो हम बड़ा सा बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं एल सी टू ओ फोर थ्री। अब आप बताइए सी टू ओ फोर पे कितना चार्ज होता है? माइनस टू। एक पे माइनस टू, तो थ्री पे कितना हो जाएगा? माइनस सिक्स। एल्यूमिनियम पे कितना है? प्लस थ्री। तो नेट बाहर कितना चार्ज आएगा? जल्दी इसे बोलिए, कितना आएगा? माइनस थ्री। पक्का? अब आप कहेंगे कि सर जरूरी क्या ऑक्सीलेट लो, कोई भी माइनस ले लो, कोई भी कुछ ले लो। मैं कहता हूँ हाँ ले लो, अगर एल्यूमिनियम के साथ आपने फ्लोराइड ले लिया तो कितने फ्लोराइड जाएंगे? छः। क्योंकि एक फ्लोराइड आयन कितने लोन पेयर दे रहा है? एक, एक एटम एक ही दे रहा है, ठीक है, भले उसके पास कितने लोन पेयर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? माइनस थ्री। तो क्या ये अपने आप में माइनस रखता है? हाँ। आप मुझे बताओ इस आयन को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन या नॉर्मल आयन? कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स केटायन या कॉम्प्लेक्स एनायन? कॉम्प्लेक्स एनायन। कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या चार्ज होता है? केटायन पॉजिटिव या नेगेटिव, न्यूट्रल, जीरो, कुछ भी हो सकता है, सही है। इस पे क्या हो सकता है? जीरो भी, कुछ भी हो सकता है। सपोज इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी या कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीन ही होता तो क्या चार्ज आता है नेट बन के? जीरो। तो वो तो डिपेंड करता है किस पे क्या कंडीशन है। या आप सोचिए कि एल्यूमिनियम पे तीन क्या आ गए? फ्लोरीन आ गए, तीन H2 आ जाते हैं, H2 भी तो लोन पेयर दे सकता है, दे सकता है ना, तो उस पे तो चार्ज ही नहीं, नेट चार्ज कितना बन जाता? जीरो। पक्का? तो कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। लेकिन क्या एल्यूमिनियम 6 से ज्यादा कोवलेंसी शो कर सकता है? नहीं, 6 से ज्यादा नहीं कर सकता, कम कर सकता है, जनरली नहीं, ठीक है। तो यहां कम क्यों दिख रही है, यहां तीन क्यों दिख रही है? ये भी 6 है, हर एक दो दे रहा है, तो हर एक दो कोऑर्डिनेट बन बना रहा है, तो टोटल कितने बनेंगे? 6 ही बनेंगे। आ रही है बात समझ में? तो बताइए यहाँ एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सिक्स। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट एसोसिएट टू एल्यूमिनियम। पक्का? कितना है? सिक्स। यहां पर एल्यूमिनियम का कितना है? सिक्स। दोनों जगह सेम है। यहां बेरिलियम का कितना है? फोर। तो अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीलेट के तीन मॉलिक्यूल है तो बताओ उसके मेटल एटम पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सिक्स, कंफर्म है। और किसी में सिर्फ दो है तो कितना होगा? चार। किसी में सिर्फ एक है, दो। जनरली दो कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। हमें ज्यादातर क्या मिलता है? सबसे ज्यादा सिक्स। नेक्स्ट, दोनों में सिमिलरिटी हो गई। एक और चीज सिमिलरिटी है, दोनों के हैलाइड, हैलाइड कौन से? क्लोराइड। डाइमर बनाते हैं। पक्का? डाइमर बनाते हैं।
तो ये भी सिमिलरिटी हो गई। नेक्स्ट कौन से नंबर की सिमिलरिटी है, थर्ड, बहुत सारी चीजें हैं तो इसको आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए। बेरिलियम एल्यूमिनियम शो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, थर्ड नंबर का था, अब क्या हो गया फोर्थ नंबर का, क्या है ये, क्लोराइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, सॉरी एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम जनरेट डाइमर, तो ये डाइमर बनाते हैं पक्का। ये देखिए ये बेरिलियम है, बेरिलियम डाइमर बनाएगा, हाँ बीई सी एल, एक सी एल यहां पर है, एक और बीई है, सी एल सी एल, क्यों डाइमर बना रहा है, क्यों बना रहा है, मजा आ रहे हैं क्या इसको, हाँ मजा आ रहे हैं क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है या नहीं है? तो क्या करेगा ये अपना लोन पेयर यहां डाल देगा और ये अपना लोन पेयर यहां डाल देगा, बन गया डाइमर, बोलो यस और नो, डाइमर बन गया। इस बॉन्ड को क्या बोलोगे, बनाना शेप का होता है लेकिन हर हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, पक्का ये बनाना जैसा है लेकिन बनाना नहीं है। ये पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ जल्दी से, दो इलेक्ट्रॉन इधर दो इलेक्ट्रॉन इधर, कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन, चार, कितने न्यूक्लियाई है, एक दो तीन, ये चार इलेक्ट्रॉन इन तीन न्यूक्लियो में घूमते रहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, फोर इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड। ये बनाना बॉन्ड क्या होता है, ये आप बॉन्डिंग में पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये चीज समझ में आई या नहीं है आपको, इसमें ऐसे कितने बॉन्ड है, फोर इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर वाले, दो दिख रहे हैं पक्का, ये क्या है, ये दो इलेक्ट्रॉन है और कितने न्यूक्लियाई के बीच में घूमेंगे, ये सिर्फ दो, तो इस बॉन्ड को क्या बोलोगे आप, टू इलेक्ट्रॉन टू सेंटर बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियाई के बीच में घूमेंगे जबकि वहां पर चार इलेक्ट्रॉन तीन न्यूक्लियस के बीच में, जिसमें से दो तो बेरिलियम ही हो गया और एक क्लोरीन हो गया, क्या मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है, आगे क्या एल्यूमिनियम भी बनाता है, हाँ एल, आप जानते हैं एल क्या बनता है, सी एल थ्री, एक और एल्यूमिनियम सी एल सी एल, बिल्कुल ये भी ऐसे बनेगा ये भी ऐसे बनेगा, ये भी बॉन्ड बन गया, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इधर कितने हुए, चार इलेक्ट्रॉन, कितने सेंटर है, तीन सेंटर, फोर इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड। तो हमने जो पढ़ा चलिए उस पे से कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछता हूँ, कितना आता है आपको, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, अब बताइए आंसर, फर्स्ट मैं रीड कर रहा हूं आप बताते जाइए, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, कौन सा मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर ही बात करें, बेरिलियम, बिल्कुल सही कहा, बाकी सब क्या बनाते हैं, आयनिक, या तो मेटलिक, सारे मेटल हैं तो आयनिक बनाएंगे लेकिन बेरिलियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कोवलेंट कंपाउंड बना सकता है। एक और क्वेश्चन, डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बढ़ती है या कम होती है, बढ़ती है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम BaOH2, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो बाप जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है यानी बेरियम, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अगर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों ही रिएक्टिव ज्यादा नहीं है, ठीक है, सीधे पानी के साथ रिएक्शन कर लेंगे क्या, नहीं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे अगर वाटर स्टीम को लाया जाए तो रिएक्शन हो जाती है, तो बेरिलियम की अगर वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन कराई जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, दूसरा सॉलिड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्राइड, हाइड्राइड तो होगा ही नहीं क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल गई,
अब बताइए मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, जल्दी से बोलिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही कहा आपने, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ये अल्कली मेटल होता जैसे सोडियम वोडियम तो हाइड्रोक्साइड ही बनता। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा, पीपीटी बनाएगा। तो ये भी एक पॉइंट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज लेस स्टेबल, समझ में आ रही है बात? और लेस स्टेबल होके क्या बन जाएगा, पीपीटी बना देगा, अलग हो जाएगा, पक्का? तो अगर वो पीपीटी बना के अलग हो गया तो उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, सॉल्युबिलिटी नहीं है तो वो हाइड्रोक्साइड भी नहीं बना पाएगा, कोई डाउट? नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। क्या है क्वेश्चंस? बेरिलियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4। एल्यूमिनियम अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहां पर। नेक्स्ट, चलिए ठीक है। तो ये बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स आ गए जो हमारे को बताते हैं दोनों में सिमिलरिटीज को और अच्छे पॉइंट्स को। नेक्स्ट, हमें अब क्या पढ़ना है आगे, कुछ और पॉइंट्स, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखना चाहते हैं, कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, मैं फिर बोल रहा हूं, अदर अदर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस MeOH2। सही है, यानी सिर्फ अदर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड, ये मेटल आएगा, मेटल ऑक्साइड। ये एम यहां पर क्या हो सकता है, बेरिलियम नहीं है, मैग्नीशियम हो सकता है, और क्या हो सकता है, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी, इनमें से कोई भी हो सकता है मेटल, अदर मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं सारे, फर्स्ट सेकंड, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी एक और डाल दीजिए, एंड बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ सब बढ़ेगी। तो बताइए बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड कौन ज्यादा है, बेसिक होगा, नो डाउट, बाप बाप ही है, तो बाप तो बड़ा होगा ही बेटा से, ठीक है ना? इस जगह थर्मल स्टेबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, इसकी। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। तो ये तो आपके पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट है हमारे लिए, की पॉइंट थर्ड नंबर का, सॉल्युबिलिटी ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड एक अलग ही चीज है फ्लोराइड के साथ, कि
कि नीचे जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, लेकिन हो ये रहा है फ्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, नीचे जाने पे बढ़नी चाहिए, ठीक है बढ़ रही है, लेकिन सबसे कम कौन होगा फिर, लिथियम, लिथियम फ्लोराइड सबसे कम होगा सीजियम फ्लोराइड से, लेकिन अगर आयोडीन ले लिया जाए तो ये चीज उल्टी हो जाती है, पक्का? तो इसको कैसे की पॉइंट की तरह रखोगे आप, लिथियम फ्लोराइड एंड सीजियम फ्लोराइड आर लेस सॉल्युबल या लो सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल, यानी फ्लोराइड के केस में तो नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, और आयोडाइड के केस में जिग जैग होके आपके पास आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी उल्टा कम हो रही है, तो पूरे ग्रुप के अंदर लिथियम फ्लोराइड सबसे कम सॉल्युबल है और आयोडाइड के केस में सीजियम आयोडाइड सबसे कम सॉल्युबल है, नेक्स्ट फोर्थ, आप जानते हैं हैलाइड कौन से होते हैं, आयनिक या कोवलेंट, हाँ जल्दी बोलिए, आयनिक होते हैं लेकिन बेरिलियम को छोड़कर, तो हैलाइड्स ऑफ एम एल हैलाइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर आयनिक, आयनिक होंगे ही होंगे एक्सेप्ट एक्सेप्ट BeX2, एक्सेप्ट BE बेरिलियम, नेक्स्ट फिफ्थ BeX2 या Cl2 लिख लीजिए, BeCl2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन गैसियस फेस, गैसियस फेस या गैस फेस, तो ये इसका क्या हो गया, गैसियस स्टेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, सॉरी BeCl2 किस फॉर्मेट में रहता है, गैसियस फेस में, बट इन कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है, अगर इस गैस को आपने ठंडा करा, ठंडा करना कंडेंसेशन कहलाता है, ठंडा ठंडा करते वो चीज क्या हो जाएगी, सॉलिड भी हो जाएगी, और सॉलिड हो जाएगी तो आप मान के चलिए BeCl2 जैसे कोल्ड करेंगे एक्स्ट्रा कोल्ड, तो ये BeCl2 का कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा यानी कि कंटिन्यू वो बना लेगा पॉलीमर, कॉम्प्लेक्स या फिर आप बोल सकते हो इसको पॉलीमर, जहां इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, इस तरह से बनाएगा, ये बेरिलियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये बेरिलियम, इस तरह से समझ में आ रहा है, अब आप देखिए इस क्लोरीन ने क्या करा, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस क्लोरीन ने इसके साथ बना लिया, ये आगे बना लेगा, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आप ही देख लीजिए, इसने इसके साथ बनाया, इसने इसके साथ बनाया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिखाई देगा आपको, बेरिलियम का, सोच के देखिए कितना दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, जल्दी से बोलिए, 4, 1 2 3 4, बोलो हाँ या ना, अगर सिर्फ दो मॉलिक्यूल जुड़ते तो कितना रहता, 3, लेकिन ये पॉलीमर बन रहा है, इनफाइनाइट जुड़ रहा है, तो इसका इसके साथ जा रहा है, समझ में आ ही रहा है, तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बेरिलियम इन BeCl2 पॉलीमर, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 4, आ रही है बात समझ में, न कि
थ्री, क्योंकि बचा थ्री बना देता है। सर आपने ही तो बताया था थ्री बना रहा था वहां पर पॉलीमर में, लेकिन जब मैंने बनाया था तब मैंने डाइमर बनाया था, पॉलीमर नहीं बनाया था। कुछ समझ में आया? तो बेरिलियम क्या बनाता है जल्दी से बोलो, इस तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करता है? फोर। और एल्यूमिनियम कितना शो करता है? एल्यूमिनियम पॉलीमर, केवल पॉलीमर बनाता है, तो उसका भी फोर होता है। आपको कैसे मैं बताऊं, ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो सिक्स है। एल्यूमिनियम का देखो आप, एल सी एल थ्री क्या बनाता है? ए एल टू सी एल सिक्स, बस यही बनाता है। जबकि बेरिलियम क्या बना रहा है, एक तरह से बी ई सी एल टू, बी ई सी एल टू एन मॉलिक्यूल बना रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? फोर। इस जगह कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम बेरिलियम कितना है? इस जगह फोर। ठीक है, एल्यूमिनियम सिक्स शो करता है, लेकिन किसमें? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, हैलाइड के अंदर नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बेरिलियम एल्यूमिनियम सिर्फ डाइमर बना रहा है, सिर्फ दो ही जोड़ रहे हैं, जबकि पॉलीमर में बेरिलियम सीएल, ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक मॉलिक्यूल था, इसका ये सीएल गया, इसका भी ये गया, इसका भी ये गया, तो एक तरह से ये इनफाइनाइट लूप बन सकता है। तो डायमंड में तो सिर्फ दो ही अटैच होते हैं, पॉलीमर में दो, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 10, 20, 50 हजार करोड़। ठीक है, तो ये एक पॉलीमर बनाएगा। अच्छी बात यह, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना आ रहा है? फोर फोर। लेकिन एल्यूमिनियम फोर के आगे भी शो कर सकता है, सिक्स भी शो कर सकता है, पक्का? कैसे? फिर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएंगे, ए एल सी एल, ए एल आपने पढ़ा था, एल ए एल एफ सिक्स माइनस थ्री, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है उसका? सिक्स। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, बेरिलियम का? फोर। एल्यूमिनियम का? फोर। दिख रहा है कितने बॉन्ड दिख रहे हैं वो? चलिए ठीक है, धन्यवाद, यहाँ तक।